अगर कहीं पर जो है दो चार्ज हो और उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस हो, तो फिर दोनों चार्ज जो है वे एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, दोनों चार्ज जो है वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे और फिर हम उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, जिसे कि हम सोर्स चार्ज कहते हैं। अब अगर आप इस चार्ज के आसपास का ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर एक दूसरा चार्ज लाते हैं, चलिए यहां पर ये जो चार्ज है ये है क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट चार्ज है, जिसे कि हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये जो क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट, जिसे कि हम टेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये बहुत 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 छोटा है। सो ये जो क्यू नॉट है ये 10^0 है, ये ध्यान में रखें। तो यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, जो कि यहां पर ये एक्सपीरियंस करेगा कि इसे ये वाला जो चार्ज है ये रिपल कर रहा है। सो यहां पर ये जो है ये इस डायरेक्शन में रिपल होगा। सो यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो सोर्स चार्ज है ये इसे रिपल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये धकेल रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? देखें, ये जो फोर्स होगा ये होगा 1 ओवर, हम कूलम्स लॉ से कह सकते हैं कि होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये जो मीडियम है ये जो है एयर या वैक्यूम है, सो इनटू यहां पर क्यू जो कि सोर्स चार्ज है, इनटू यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है। चलिए हमने ये माने कि यहां पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल लेटर आर। सो यहां पर ये हो गया डिस्टेंस, तो यहां पर होगा इसका स्क्वायर, तो यहां पर ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये होगा यहां पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा कि इसे इतने फोर्स से जो है ये चार्ज इसे धकेल रहा है इस डायरेक्शन में। अगर यहां पर ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज ये निगेटिव होता, तो उस केस में ये जो टेस्ट चार्ज है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता, ये महसूस करता कि इसे जो है इस डायरेक्शन में जो है खींचा जा रहा है। सो यहां पर ये अट्रैक्शन को फील करता, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता वो यहां पर इसी के बराबर होता। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी चार्ज के आसपास का वह रीजन जिसमें कि अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो वह चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है, और उसी रीजन को हम कहते हैं कि वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये एक पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, ये एक पॉइंट में बनता है। किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा है। जैसे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अगर यहां पर देखें इस पॉइंट में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ होगा, यहां पर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ होगा। तो अलग अलग पॉइंट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, ये एक पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो चार्ज है, यहां पर ये जो चार्ज है ये है सोर्स चार्ज जो कि है प्लस क्यू। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये होगा एक टेस्ट चार्ज, सो यहां पर ये जो चार्ज है ये है टेस्ट चार्ज, जिसे कि हम कहेंगे कि यह है क्यू नॉट। यहां पर मैं ये बार बार टेस्ट चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इसके कारण कोई फील्ड नहीं क्रिएट होगा। ये जो टेस्ट चार्ज है ये इतना छोटा है ये चार्ज कि ये अपने आसपास का ये जो रीजन है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है, ये बहुत 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 छोटा है। तो अब ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन को, यहां पर जो है यहां पर इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। ये जो सोर्स चार्ज है ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे कि हमने मान लिया कि ये है एफ। सो यहां पर फोर्स एज वेक्टर हो गया। तो अभी
यहां पर अगर आप देखें तो ये जो टेस्ट चार्ज है जो कि है क्यू नॉट, सो यहां पर ये जो क्यू नॉट है इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस क्यू नॉट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये है एफ। अगर क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो चार्ज है ये, सो इतना जो है फोर्स अप्लाई होगा इस यूनिट चार्ज पर। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम कहते हैं कि यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहां पर जो है यहां पर ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब एक बार हम इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं, तो यहां पर इसका जो एसआई यूनिट होगा, यहां पर इसका जो एसआई यूनिट होगा ये क्या होगा, देखें फोर्स का जो यूनिट होता है ये होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये हो गया इसका एसआई यूनिट। सो यहां पर ये हो गया इसका एसआई यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है किसी एक पॉइंट में जो है जिस पॉइंट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाहते हैं उस पॉइंट में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वह जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वही होगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान ले कि यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, इसके कारण जो है यहां पर इस रीजन में जो है यहां पर क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इस पॉइंट का जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाहते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो यहां पर हम प्लस वन कूलाम का एक चार्ज रख देते हैं इस पॉइंट में। तो यहां पर अगर ये जो है फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये है 10 न्यूटन का, तो हम कहेंगे कि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट का ये होगा 10 न्यूटन पर कूलाम। अगर वहीं पर जो है अगर वहीं पर हम जो है इस पॉइंट का जो है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है एक कूलाम के चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव वन कूलाम को अगर हम एक चार्ज को रख देते हैं इस पॉइंट में तो अगर यहां पर ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है अगर ये यहां पर जो है 12 न्यूटन के एक्सपीरियंस को कर रहा है, 12 न्यूटन फोर्स के एक्सपीरियंस को कर रहा है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये होगा 12 न्यूटन पर कूलाम। सो यहां पर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, हर एक पॉइंट में ये अलग अलग होगा। तो अब यहां पर अगर हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाहें तो हम देखें कैसे पता कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है यहां पर आर। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है आर, तो यहां पर ये जो फोर्स है ये कितना होगा, सो यहां से हम कह सकते हैं कूलाम्स लॉ से ये जो फोर्स होगा एफ, ये फोर्स एफ ये बराबर होगा 1/4πε0, यहां पर हम मान रहे हैं कि ये जो मीडियम है ये है फ्री स्पेस, इनटू यहां पर ये जो सोर्स चार्ज है क्यू, इनटू यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब यहां से हम क्या करेंगे, आगे हम यहां से जो है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता कर लेंगे इस फार्मूले से, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया है और यहां पर ये जो चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज जो कि है क्यू नॉट ये भी हमें पता है, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि यहां पर है इसके बराबर, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/4πε0 इंटू यहां पर ये जो क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय यहां पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और फिर यहां पर जो है ये तो फोर्स के जगह पर है अभी यहां पर क्यू नॉट है, सो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं ये होगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर ये हो गया 1/Q0। तो अब यहां पर ये जो क्यू नॉट है ये इस क्यू नॉट को यहां पर कैंसिल कर देगा, तो आगे हमें क्या मिलेगा, यहां से आगे हमें यहां से ये मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट का
ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय यहां पर आर स्क्वायर। तो यहां पर इस पॉइंट का जो है, इस पॉइंट का ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर मजेदार बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी पॉइंट में, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर देखें इस फार्मूले में, ये जो आपको दिख रहा है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यहां पर ये जो क्यू है ये सोर्स चार्ज है, ये भी अगर फिक्स हो तो ये सिर्फ यहां पर ये जो आर है इस पर डिपेंड करेगा। ये जो आर है ये जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही कम होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस सोर्स चार्ज से जो है जितना दूर जाएंगे, आप यह पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वह उतना ही कम होता चला जाएगा। अर्थात हम इस सोर्स चार्ज के जितना करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वह उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये इस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर हम यह कह रहे हैं बार बार कि यह एक पॉइंट में बनता है। एक बार इसी को भी समझा जाए कि इसका मतलब क्या है। अगर मान ले कि हमने यहां पर जो चार्ज रखा, यह जो चार्ज है यह प्लस क्यू नॉट ना रख करके हमने रख दिया यहां पर प्लस टू क्यू नॉट चार्ज, हमने इतना चार्ज जो है इस पॉइंट में रखा, तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही बनेगा? एक बार देख लेते हैं। जब हम इतना चार्ज जो है यहां पर इस पॉइंट में रखेंगे तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, यहां पर हमें लिखना होगा 2q0। इसका मतलब है कि 2 को हम यहां पर लिख सकते हैं, तो मतलब ये है कि फोर्स अब डबल हो गया। जैसे ही हमने इसे रखा इस पॉइंट में वैसे ही अब फोर्स डबल हो गया, पहले जितना एक्ट कर रहा था जब ये q0 था उससे अब डबल हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करने के लिए इस पॉइंट का, तो हमें देखें क्या मिलेगा। अब यहां पर जो है हम लिखेंगे 2 यहां पर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर इनटू क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स। फिर यहां पर 1 अपॉन, अब क्यू नॉट हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 क्यू नॉट, क्योंकि टेस्ट चार्ज अब ये है 2 क्यू नॉट। तो अब देखिए आप क्यू नॉट को कैंसिल करेगा ही, साथ साथ ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमें अभी भी सिर्फ इतना ही वैल्यू मिलेगा जो कि एग्जैक्टली बराबर होगा इस वैल्यू के। तो अभी भी देखें इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह अभी भी इतना ही होगा। सो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह अभी भी इतना ही है, ये जो है टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वह अलग अलग होता है और वह फिक्स होता है किसी सोर्स चार्ज के कारण, वह टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।